जिसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, ऑफिशियली मैसेज होते हैं, वो आने में अब देरी होगा आपके मोबाइल पर। जो लिंक आते हैं, जो बल्क मैसेज होते हैं, उनके द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा है उसको देखते हुए ट्राई द्वारा ये फैसला लिया गया है। भारत में हर दिन करीब 1.5 से लेकर 1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं। उस सब चीजों को जांचा परखा जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल तक भेजा जाएगा। एयरटेल, जियो और वीआई जैसी कंपनी ने ट्राई को आवेदन देकर 2 माह की छूट मांगी है। क्यों मांगी ये अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वीआई यूजर्स हैं तो आपके लिए एक चिंताजनक और एक सुविधाजनक अपडेट है। अपडेट ये है कि ट्राई द्वारा एक नियम लागू किया जा रहा है 1 नवंबर से, जिसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, ऑफिशियली मैसेज होते हैं, वो आने में अब देरी होगा आपके मोबाइल पर। क्यों लिया गया यह नियम, किस लिए फैसला लिया गया, ये भी आपको ब्रीफ करते बताया जा रहा है कि लगातार वर्तमान में देखते हुए जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने भी OTPs, जो लिंक आते हैं, जो बल्क मैसेज होते हैं, उनके द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा है उसको देखते हुए ट्राई द्वारा ये फैसला लिया गया है। ट्राई, जिसे आप सभी जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया गया है कि 1 नवंबर से पूरे देश भर में मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू कर दी जाए। ये मैसेज ट्रेसिबिलिटी क्या है ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे, पर जो ये फैसला लिया गया, ये जो नियम लागू करने जा रही है टेलीकॉम कंपनी, वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो UPI ID के थ्रू हो गया या OTP के थ्रू हो गया या फिर जो WhatsApp से तमाम जो लिंक आते हैं उसके द्वारा जो फ्रॉड हो रहा है, लगातार वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जितने भी बल्क मैसेज होते हैं, प्रमोशनल मैसेज होते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर नज़र रखा जाए। और साथ ही जो आपको ऑफिशियली OTP आते हैं, आप कहीं रजिस्टर करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर हो या टिकट बुकिंग को लेकर हो, तमाम जो सारी ऑफिशियली चीज़ें होती हैं उसमें जो OTP वगैरह आता है या मैसेज आता है या लिंक आता है, उस सब चीज़ों को जांचा परखा जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल तक भेजा जाएगा। इसलिए अब आपको आपके नंबर पे तमाम जो ऑफिशियली OTP नंबर्स आते हैं वो आने में अब समय होगा और दिक्कत होगा और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू होने वाला है 1 नवंबर से, तो आइए जानते हैं कि मैसेज ट्रेसिबिलिटी क्या है, वो पहले समझ लेते हैं, फिर आगे सिलसिलेवार आपको सब सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो आइए जानते हैं मैसेज ट्रेसिबिलिटी नियम क्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर मैसेज ट्रेसिबिलिटी क्या है, तो बता दें कि 1 नवंबर से आपके फ़ोन पर आने वाली सभी मैसेज पर निगरानी तेज हो जाएगी। साधारण शब्दों में कहें तो आपके मोबाइल पर आने वाले सभी तरह के फर्जी कॉल और मैसेजेस को रोकने का नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे फर्जी कॉल और मैसेजेस का पहचानना आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कोई भी मैसेज या कॉल आपको ना मिले तो इसे ब्लॉक करने में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ट्राई ने अगस्त में सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि बैंक, ई-कॉमर्स, वित्तीय संस्थान से आने वाले ऐसे सभी मैसेज को ब्लॉक किया जाए जो टेलीमार्केटिंग प्रमोशन से जुड़े हैं। ट्राई ने कहा कि टेलीमार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिससे वो उसे पहचान सके। प्रमोशनल कॉल मैसेजेस रेड फ्लैग लगाया जाए जिससे यूज़र्स को पता होना चाहिए कि आखिर उसके मोबाइल पर आने वाली मैसेज प्रमोशनल है या फिर कोई और। इससे फ्रॉड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि नियम के लागू होने को लेकर दिक्कत यहाँ है कि इससे ज़रूरी बैंकिंग मैसेज OTP मिलने में देरी हो सकती है, ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट में बाधा पहुँच सकती है। टेलीकॉम ऑपरेटर ने बताया कि 1 नवंबर से नया सिस्टम लागू करने के लिए तैयार है। भारत में हर दिन करीब 1.5 से लेकर 1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं। तो तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए कि ताकि आप जो ऑनलाइन मैसेज से आजकल फ्रॉड हो रहा है उससे आप बच सकें, इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। इसमें एक अपडेट ये भी है कि जो VI, जियो, एयरटेल जैसी कंपनी है उसने ट्राई को जो है आवेदन लिखकर 2 माह की छूट मांगी है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये भी देखते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के मेंबरशिप वाली संस्था सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मामले में ट्राई को एक पत्र लिखकर मोबाइल ट्रेसिबिलिटी नियम लागू करने में 2 माह की छूट मांगी है। तो एयरटेल, जियो और VI जैसी कंपनी ने ट्राई को आवेदन देकर 2 माह की छूट मांगी है। क्यों मांगी ये अच्छे से क्लियर नहीं है, पर यह भी एक ज़रूरी कदम लिया गया है ट्राई की तरफ से कि जितने भी तमाम ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप देखे होंगे कई जगह ऐसे अखबारों में और न्यूज़ हेडलाइंस में आपको सुनने और पढ़ने को मिल रहा है कि OTP आ रहा है, OTP आप कहीं पर लगा रहे हैं और आपका जो बैंक का अकाउंट है वो खाली हो जा रहा है। इस तरह से लिंक भी आ रहा है और तमाम तरह के, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट हो गए,
या किसी भी तरह का बल्क मैसेज आ रहा है, या फिर फूड होम डिलीवरिंग वाले जो होते हैं उसके भी वेबसाइट से कई बार फ्रॉड हो रहा है, तमाम तरह के जो OTPs आ रहे हैं, तमाम तरह के जो टेक्स मैसेज में तमाम तरह के जो लिंक आ रहे हैं उसको भी आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार ट्राई जो है कोशिश कर रही है, इससे पहले भी कई तरह की इस तरह के उन्होंने नियम लाया कि जो बल्क मैसेज आते हैं, प्रमोशनल मैसेज आते हैं, उस पर रोक लगाया जा सके, वो जो कस्टमर हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके मोबाइल में कम इस तरह के मैसेज पहुंच सके। तो उनकी कोशिश लगातार जारी है, और फ्रॉड जो तमाम फ्रॉड हो रहे हैं उनको देखते हुए तो वो लगातार कोशिश कर ही रही है, और इस तरह का जो 1 नवंबर से जो ट्रेसबिलिटी जो नियम लागू करने वाली है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये नियम बहुत ही ज़रूरी था और अहम फैसला भी है। बाकी अब ये नियम लागू होने के बाद किस तरह के जो इसके जो सकारात्मक प्रभाव है देखने को मिलेगा वो भी हम आपको डिटेल अपडेट करते रहेंगे। बाकी के लिए जो अपडेट्स हैं और भी तरह की खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए आप KP News के साथ बने रहिए। शुक्रिया।